मूवी की शुरुआत साल 2072 से होती है। हम मॉस्को शहर देखते हैं। इस जनरेशन में इंसान दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला जो कि बहुत अमीर है और दूसरा जो कि बहुत गरीब और अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। और इसी समय माफिया द सर्वाइवल नाम का एक रियलिटी गेम शो होता है। इस शो में जीतने वाले को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन हारने वाले सब मारे जाते हैं। शो का होस्ट सभी का स्वागत करता है और बताता है कि आप 11 लोग हैं, इसमें से 9 सिविलियंस और 2 माफिया। किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं पता कि कौन माफिया है और कौन सिविलियन। इन सब में या तो माफिया जीतेगा या फिर सिविलियन। इस गेम को जीतने के लिए सिविलियन को पता लगाना होगा कि माफिया कौन है, और माफिया को छुपे रहकर खुद को सिविलियन बताना होगा जब तक वो फाइनल राउंड में न पहुंच जाए। हर रात माफिया एक सिविलियन को मार देगा। जितनी जल्दी सिविलियन ने पता लगा लिया कि माफिया कौन है, उतनी ही लोगों की जिंदगी वो बचा सकता है। और इस साल का विनिंग प्राइज है $1,000,000। अब शो शुरू होता है। होस्ट सभी को अपने हाथ ऊपर करने को कहता है और सभी कंटेस्टेंट्स के सामने मिनी ड्रोन आते हैं जो कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कौन माफिया है और कौन सिविलियन, और सभी के हाथ पर एक बार कोड देते हैं। फिर होस्ट कंटेस्टेंट नंबर 1 से पूछता है क्या तुम माफिया हो। इस पर वो कहता है नहीं, मैं तो एक गैम्बलर हूँ। होस्ट बताता है इनका नाम ल्यूका है और ये इस गेम में सबसे बुजुर्ग इंसान है, ये एक सेल्फ मेड बिलियनर है। फिर होस्ट कंटेस्टेंट नंबर 2 के बारे में बताता है, ये है इलाय, 38 साल का इंजीनियर। इसे कैंसर की बीमारी है और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसीलिए मरने से पहले इसे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। इसकी वाइफ ने 3 महीने इसे उसकी फैमिली के साथ रहने को कहा क्योंकि वो इसे हजारों लोगों के सामने मरता नहीं देख सकती थी। फिर होस्ट कंटेस्टेंट नंबर 3 और 4 के बारे में बताता है, ये दोनों वाइल्ड कार्ड्स हैं। ये लोग पैसे जीतने के लिए गेम नहीं खेल रहे, ये अपनी आजादी पाने के लिए गेम खेल रहे हैं। होस्ट कंटेस्टेंट नंबर 4 जिसका नाम इवान है, उससे पूछता है क्या तुम माफिया हो। इस पर वो कहता है नहीं। फिर वो कंटेस्टेंट नंबर 3 जिनका नाम मिस्टर बुचर है, उनसे पूछता है क्या तुम माफिया हो, वो भी नामे जवाब दे देता है। अगला कंटेस्टेंट नंबर 5 जिनका नाम वल्चर है, वो भी अपने आप को माफिया होने से मना करते हैं और एक ऑफिसर बताते हैं। अगली कंटेस्टेंट है केट, वो भी कहती है मैं माफिया नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने पास्ट को समझने आई हूँ। अगली है लौरा, वो बताती है वो यहाँ अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने आई है क्योंकि उसे उसकी प्रेजेंट वाली जिंदगी में नहीं जीना। अगला कंटेस्टेंट किरिल कहता है वो केपेबल है इसीलिए वो यहाँ है। अब एक एक करके सारे लोग बताते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, कोई अपनी जिंदगी से आजाद होने आया था तो कोई पैसा जीतने। अब होस्ट 10 मिनट का टाइमर लगाता है और सभी को माफिया के लिए वोट करने कहता है, पर कोई कुछ नहीं कहता और टाइम खत्म हो रहा था। तभी मैरिन कहती है कि ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे लगता है वो किरिल है। पीटर कहता है ठीक है, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे भी किरिल ही लग रहा है। तभी मिस्टर बुचर कहता है रुको, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और गेम की स्ट्रेटेजी बना रहे हो। फिर होस्ट सभी को मैरिन के बारे में बताता है, वो 24 साल की एक बैली डांसर है, जब वो 21 साल की थी तब तक उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसका सपना टूट गया। अब मैरिन वापस परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाना चाहती है और इसीलिए उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वो काफी महंगी है, इसीलिए वो इस गेम में आई है ताकि वो पैसा जीत सके और अपना ट्रीटमेंट करा सके। ये सुनकर मिस्टर बुचर कहते हैं तो अब हम पहले किसे निकालें, और सब मैरिन के खिलाफ हो जाते हैं और उसके लिए वोट करते हैं, पर होस्ट बताता है कि मैरिन एक सिविलियन है। अब उसे एक डरावनी दुनिया में ले जाया जाता है, ये दुनिया असल में रियलिटी की तरह ही थी, यहाँ उस कंटेस्टेंट को उसके डर का सामना करना पड़ेगा। मैरिन का डर था बिजली गिरना, इसीलिए इस दुनिया में हर जगह से उसके ऊपर बिजली गिर रही थी, लेकिन असल में मैरिन अभी भी उस चेयर पर बैठी थी, उसे बस ये सब फील हो रहा था। मैरिन बिजली से बचते हुए एक किनारे पर आ जाती है और नीचे समुद्र था, वो कूदने ही वाली थी पर तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और इस दुनिया में सच में उसकी मौत हो जाती है। फिर होस्ट अनाउंस करता है ये माफिया का 75वां सीजन है और इस सीजन की पहली मौत हो गई है। होस्ट कहता है इस शो में लोगों की एक्चुअल मौत होती है, पर फिर भी यहाँ की प्राइज मनी देखकर लोग ये गेम खेलने आते हैं। अब सब बुचर को एलिमिनेट करते हैं और उसे उस दुनिया में भेजा जाता है जहाँ उसे एक आदमी पूछता है क्या तुम मरने से डरते हो। बुचर कहता है नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। फिर बुचर को एक खेल के मैदान में भेज दिया जाता है जहाँ होस्ट के 2 लोग उसे बहुत मारते हैं। उन लोगों के पास बुचर को मारने के लिए तलवार थी, पर बुचर के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उन दोनों से लड़ता है और उन्हें मार देता है, पर तभी उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर लगी हुई रॉड के ऊपर गिर जाता है। और रियल वर्ल्ड में होस्ट सभी को बताता है कि मिस्टर बुचर की मौत हो गई है। फिर वो 8 मिनट का टाइमर लगाता है और सभी को माफिया के लिए वोट करने कहता है। सभी लोग बहस कर रहे थे,
होस्ट हमें बताता है कि कॉन्स्टेंटाइन को बचपन से ही भविष्यवाणी प्रिडिक्ट करने की ताकत मिली है और लोग उसे डार्क मैसेंजर के नाम से भी बुलाते हैं। इसका डर है बूढ़े होकर मरना। कॉन्स्टेंटिन बताता है कि पीटर माफिया है, अब सब वोट करते हैं। तीन लोग कॉन्स्टेंटिन को वोट देते हैं और बाकी के छह पीटर को। पीटर एक सिविलियन था पर उसके खिलाफ ज्यादा वोट होने से उसे वर्चुअल रियलिटी में भेज दिया जाता है। ये आदमी पीटर से पूछता है कि तुम्हारा डर क्या है। ये बताता है जब ये छोटा था तो इसे बुरे सपने आते थे और उस सपने में ये मर गया था। फिर उसी के बुरे सपने में उसे पहुंचा दिया जाता है जहां वो समंदर के बीच एक छोटी सी बोट में था और नीचे पानी में बहुत सारी शार्क्स थी। पीटर खुद को बचाने के लिए एक शार्क को मार देता है और बाकी शार्क उस मरे हुए शार्क को खाने लगती हैं। मौके का फायदा उठाकर पीटर किनारे पर जाने का ट्राई करता है पर उसे पानी में उसकी गर्लफ्रेंड मैरिन दिखती है। वो उसे उसके पास बुलाती है। पीटर जैसे ही उसके पास जाता है वो एक शार्क में बदल जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। होस्ट कहता है आप लोगों ने तीन बार गलत चॉइस की है और सिविलियन को माफिया बताया पर माफिया अभी आप लोगों के बीच में ही है। अब आपको फिर से माफिया को ढूंढने का चांस मिल रहा है। फिर होस्ट वल्चर के बारे में बताता है। उसकी उम्र 45 है और वो मिलिट्री में ऑफिसर था। उसकी गलती के कारण उसके टीम के सारे ऑफिसर की मौत हो गई। फिर होस्ट इवन के बारे में बताता है कि वो अपने स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए एक्साइटेड था। वो लोग कार में पार्टी कर रहे थे पर तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। इवान और उसके फ्रेंड को एक स्ट्रेंजर ने बचा लिया और उसके दो फ्रेंड्स की मौत हो गई। इवान का सबसे बड़ा डर था कि वो जेल में मर जाएगा। इसी बीच लॉरा और वल्चर के बीच बहस हो जाती है और लॉरा वल्चर के खिलाफ वोट दे देती है। वल्चर भी लॉरा को वोट करता है लेकिन मेजोरिटी वोट वल्चर को मिलते हैं। पर होस्ट बताता है वल्चर एक इनोसेंट सिविलियन है और तुम लोग ने फिर से गलत चॉइस की है। माफिया अभी भी तुम लोगों के बीच में ही है। फिर वल्चर को भी उस दुनिया में ले जाया जाता है जहां वो एक जंग के मैदान में होता है पर उसके सारे टीममेट्स मारे जाते हैं। लेकिन वल्चर हार नहीं मानता और बाहर निकलकर दुश्मनों को एक एक करके मार देता है। लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है और दुश्मन उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब अगली बारी लॉरा की थी। होस्ट बताता है कि लॉरा के पास सब कुछ था, एक घर, एक खुशहाल फैमिली, पर उसे अल्कोहल पीने की आदत लग गई जिसके कारण उसका बड़ा बेटा मारा गया। उसके हस्बैंड के छोड़ने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। सुसाइड करने की भी हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे ऊंचाई से डर लगता है। उसने पिछले 8 सालों से उसका घर नहीं छोड़ा है। अब लॉरा इवान को बताती है कि फ्रीवे पर मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, पर फिर उसी ने इवान के खिलाफ गवाही दी कि वही ड्राइव कर रहा था और इवान को जेल हो गई। लॉरा इवान से माफी मांगती है। फिर लॉरा को भी उस दुनिया में ले जाया जाता है। वो एक प्लेन में थी और वो प्लेन तूफान की तरफ बढ़ रहा था। तभी प्लेन में काफी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह उखड़ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाती है और इस तरह लॉरा वर्चुअल के साथ साथ रियलिटी में भी मारी जाती है। अब यहाँ कॉन्स्टेंटाइन, ल्यूका और इवान थे। अब होस्ट फिर से वोटिंग करने के लिए कहता है और इस बार सभी लोग कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट कर देते हैं और कॉन्स्टेंटिन खुद भी खुद के ही खिलाफ वोट कर देता है। अब होस्ट बताता है कॉन्स्टेंटिन ही माफिया है। इन लोगों ने इस बार सही गेस किया था। अब माफिया होने की वजह से कॉन्स्टेंटिन को भी उस दुनिया में भेजा जाता है जहाँ सीढ़ियों से उतरते उतरते वो अपने आप को मिरर में देखता है। वो बूढ़ा हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो और बूढ़ा हो जाता है और खांसने लगता है। अब बीमारी के कारण कॉन्स्टेंटिन की भी मौत हो जाती है। फिर होस्ट इवान को चूज करता है और वो एक सिविलियन निकलता है। सब लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि इवान अभी 18 साल का एक बच्चा ही था। इवान उसकी मॉम को अलविदा कहता है और सॉरी कहकर वहाँ से उस दुनिया में चला जाता है। वहाँ वो उसकी मॉम को देखता है पर असल में वो जेल में था और आज उसका आखिरी दिन था। सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं और इवान की भी मौत हो जाती है। फिर होस्ट 2 मिनट का टाइमर लगाकर माफिया के लिए वोट करने कहता है। होस्ट बताता है गेम के एक दिन पहले किरिल और केट गलती से एक दूसरे से मिल गए थे और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में केट बताती है कि वो सांप और ऊंचाई से बहुत डरती है पर इन दोनों को भी नहीं पता था कि वो वापस इस शो में मिलेंगे। फिर होस्ट कहता है कि अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं माफिया को ढूंढने के लिए पर वो लोग चूज नहीं कर पाते और टाइम खत्म हो जाता है। इसीलिए फिर होस्ट केट को चूज करता है पर फिर पता चलता है कि वो भी इनोसेंट सिविलियन है। अब उसे भी उस दुनिया में ले जाया जा रहा था पर किरिल उसकी चेयर पकड़ लेता है और वो भी केट के साथ उस वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। अब वो दोनों आसमान में कांच के ऊपर खड़े थे। किरिल कहता है मुझे पता है तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है पर मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस नीचे मत देखना। किरिल उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर तभी कांच टूटने लगती है। किरिल उसकी तरफ भागता है और उसका हाथ पकड़कर कूद जाता है। वो दोनों एक बीच पर आकर गिरते हैं। उन्हें लगता है वो बच गए।
वो लोग उस ट्रायंगल लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ बहुत बड़े बड़े सांप आ जाते हैं। उन सांपों से बचते हुए वो लोग जा ही रहे थे, पर तभी वहाँ एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है। वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। केरिल उस क्रीचर के गले में एक ट्रायंगल देखता है और उसके गले से वो निकाल लेता है। अब वो उस ट्रायंगल की मदद से उस क्रीचर के ऊपर सनलाइट डालता है और वो क्रीचर जलकर खाक हो जाता है। फिर वो दोनों उस ट्रायंगल को एक दीवार पर लगाते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता। वो लोग आगे एक छोटे घर में आते हैं। केट कहती है, ये मेरा ऑर्फिनेज है, मुझे हमेशा से जानना था कि मुझे ऑर्फिनेज में क्यों छोड़ दिया गया। किरिल कहता है, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, पर ये रियलिटी नहीं है, तुम्हें इसका सामना करना होगा। और देखते ही देखते उसका पास्ट उसके सामने से निकल जाता है और वो दोनों सेफ हो जाते हैं। फिर वो दोनों इस गेम के होस्ट के पास जाते हैं और ये दोनों अब फाइनल विनर बन जाते हैं। फिर होस्ट सभी को बताता है कि रूल्स के अनुसार जब एक माफिया और एक सिविलियन बच जाते हैं तब माफिया ऑटोमेटिकली ये शो जीत जाता है। होस्ट बताता है कि तुम दोनों ये शो जीत गए हो और वो लोग रियलिटी में वापस आ जाते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग जिंदा वापस आ गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।